हेलो स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो दिस इज़ अवर नेक्स्ट प्रैक्टिस वर्कशीट फॉर यूनिट टेस्ट सो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है राइट द डायरेक्शंस यहाँ आपको फर्स्ट डायरेक्शन शो की हुई है नॉर्थ और नीचे की साइड कौन सी होती है यहाँ पर साउथ नॉर्थ के जस्ट ऑपोजिट राइट हैंड साइड पर आती है ईस्ट एंड इधर वेस्ट then next question is choose the correct answers first question is too much oxygen या फिर carbon dioxide in the air makes the earth hotter तो इसमें answer क्या आएगा किस पे circle करेंगे आप carbon dioxide पे कि जब carbon dioxide की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तब हमारी earth क्या हो जाती है hotter using buses and carpools helps या does not help the environment सो so, इसका आंसर क्या आएगा हेल्प जब अगर हम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो उससे एयर पॉल्यूशन कम होएगा और यही हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है थर्ड वन इज पोल्यूटेड वाटर इज बैड फॉर पीपल एंड वाटर एनिमल या डज नॉट हार्म द वाटर एनिमल सो इसमें क्या किस पे सर्कल करेंगे आप पीपल <laughs> इट्स बैड फॉर पीपल एंड वाटर एनिमल की पॉल्यूटेड वाटर जो होता है वो लोगों के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है और एनिमल्स के लिए भी वॉटर एनिमल्स के लिए भी देन क्वेश्चन नंबर थर्ड इज आंसर द्वेश्चन फर्स्ट वन इज इन विद डायरेक्शन डज द सनराइज सन राइज एंड सेट सो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सन कौन सी डायरेक्शन से निकलता है और कौन सी डायरेक्शन में छिप जाता है तो तो द आंसर इज द सन rises इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट कि ईस्ट साइड से सूरज निकलता है और वेस्ट साइड में छिप जाता है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इट what does pollution मीन कि pollution का क्या मतलब होता है सो द आंसर इज़ pollution means टू मेक द एयर वाटर एंड soil dirty जब ये तीनों नेचुरल रिसोर्स हमारे जब पॉल्यूट हो जाते हैं गंदे हो जाते हैं उसका मतलब है कि पॉल्यूशन हो गया पॉल्यूट हो गए वो सो पॉल्यूशन मीन्स टू मेक द एयर वाटर एंड सॉयल सो ये वर्कशीट आपको लर्न करके इसके आंसर्स अपनी नोटबुक में करना है बिना देखे ओके थैंक यू